हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी प्लान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास टेंथ वालों के लिए यहाँ पे गणित के मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, पूरे डिटेल में जानेंगे दोस्तों किस तरह के आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और कैसे आप लोग को जल्दी से जल्दी बनाना है। इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का कोई भी नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह के किसी भी सब्जेक्ट का लेकर आऊँगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी इतना क्वेश्चन जितना मैंने आप सबको बताया यहाँ पे, तो आप लोग कितना जानते थे वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो, और इसका मॉडल सेट डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, लिंक वहाँ पे आप लोग सारे मॉडल सेट पेपर को एक साथ डाउनलोड कर सकते हो सभी सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। पहला क्वेश्चन है कि परिमेय संख्या को निरूपित किया जाता है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हर एक साल में आपको मिल जाएगा। परिमेय संख्या को निरूपित जो किया जाता है दोस्तों, किसके रूप में, तो जानते होंगे पी अपॉन की के रूप में, मतलब पी बटा क्यू के रूप में हम लोग निरूपित करते हैं, तो उसी को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में जाते हैं। जैसे 2/3 हो गया परिमेय संख्या, 5/8 हो गया, ठीक है, 5.8 भी हो गया, लेकिन ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो 58/10 ये परिमेय संख्या के रूप में। तो राइट आंसर आपका एक का बी हो जाएगा, यहाँ पे पी बाई क्यू के रूप में। ठीक है, देखिए दो नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। पहला था परिमेय संख्या का निरूपित कैसे करते हैं, दूसरा है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए आप लोग यहाँ पे 1.7 जो है, ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1.7 के बाद जो है 777 इसको तो लिख सकते हैं दोस्तों हम, ठीक है, इस तरह से, तो ये परिमेय संख्या के रूप में। लेकिन यहाँ पर √2 जो है, देखिए √2 यानी ये वर्ग संख्या नहीं है, जैसे √4 तो ये परिमेय संख्या हो जाता है, रूट आपको 16, फिर √36 इस तरह से, लेकिन आप लोगों को √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, ठीक है, इस तरह से जितने भी क्वेश्चन आपका रूट में है वो सभी अपरिमेय संख्या का उदाहरण है। तो सही उत्तर आपका 2 का यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तीन नंबर है दोस्तों, बोला जा रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। देखिए p अपॉन q और p नॉट इक्वल टू, मतलब p अपॉन जो q नहीं होता है, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को, ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग दोस्तों वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या सभी है, ठीक है, उसमें सभी तरह के संख्या आ जाते हैं, चाहे आप लोग सम लो, विषम लो, अभाज्य संख्या लो, परिमेय संख्या लो, परिमेय संख्या लो, पूर्णांक संख्या लो, ठीक है, सह अभाज्य संख्या लो, जितने भी इसमें संख्या हैं दोस्तों सभी वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, उसमें √2, √3, 2/5, 0.5, जितने भी मतलब संख्या वो सभी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। तो राइट आंसर आपका 3 का ए हो जाएगा। यहाँ पर चार नंबर है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपरिमेय संख्या बोला जा रहा है कौन है, तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या बताना है आप लोगों को, देखिए सी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे 0.120, 1200, 12 तीन गो जीरो, फिर उसके बाद 12 चार गो जीरो, इस तरह से बढ़ते रहेगा। ठीक है, देखिए बढ़ रहे हैं दोस्तों, 120 से 1200 हुआ, 1200 के 12000 हुआ, और 12000 के बाद यहाँ पे 1,20,000 हो जाता, तो ये बढ़ते ही रहता, तो इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो ये हो जाएगा 4 का सी। ठीक है, पांच नंबर है कि घात एक वाले बहुपद को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें घात एक हो, जैसे एक्स के पावर 0, तो ये हो गया दोस्तों आपका घात 0 है, लेकिन सिर्फ एक्स रहता, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा, रैखिक बहुपद है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए। छः नंबर है कि यदि पी एक्स बहुपद दिया गया है, कि 2x+3 दिया गया है, पी एक्स का एक शून्य के है दोस्तों, तो के का मान क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 2x+3 में इसको शून्य है, तो 0 के मान दे देंगे, शून्य है बोला तो, और x के जगह पे बोला जा रहा है कि एक शून्य आपका के है, तो यहाँ पे 2k+3 बराबर 0 कर देंगे, तो यहाँ पे 2k इधर कर देंगे तो -3 हो जाएगा, और तो k बराबर -3/2, यही आपका राइट आंसर है।
देखिए -3/2 कौन में है, तो ये अब 6 का बी में है दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 6 का बी हो जाएगा। 7 नंबर है कि अगर पी एक्स पॉलीनोमियल बहुपद ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी का शून्य के है, तो के का मान बहुत ही सिंपल है 6 नंबर के जैसा ही। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक शून्य के है, तो यहाँ पे के लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए, जल्दी बनाने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 7 का ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर कि संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक को क्या कहते हैं। मान लीजिए दोस्तों एक संख्या रेखा है, यहाँ पे 0 है, और प्राकृतिक संख्या किसको बोलता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और पूर्ण संख्या किसको बोलता है जिसमें 0 लगा हुआ रहता है, लेकिन नेचुरल नंबर 0 हटा के, ठीक है। तो 0 से संख्या रेखा पर 0 से प्राकृतिक संख्या तक, तो देखिए 0 अगर लग जाता है तो कौन सा संख्या हो जाता है, तो पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 का ए हो जाएगा, पूर्ण संख्या आपका सही उत्तर। बहुत ही सिंपल था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं इसमें, ठीक है। पूर्णांक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या यहाँ पे 8 का ए हो जाएगा। देखिए 9 नंबर है कि दो चर वाले समीकरण जिसमें एक्स और वाई दो चर का व्यापक रूप क्या होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण बोला जा रहा है दोस्तों, जिसमें एक्स और वाई दो चर है, तो क्या व्यापक रूप क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है, उसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, जिसमें एक्स और वाई दो चर बोलता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण होता है, तो उसका आंसर हो जाता है दोस्तों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0। देखिए इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको आप लोग मान याद रख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स और वाई दो चर दिया जाता है, तो इसका व्यापक रूप मानक रूप यही है, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी 9 का ये हो जाएगा। 10 है दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया, 9 में आपको बोला जा रहा था क्या होगा, लेकिन 10 में ये दिया दे ही दिया गया है व्यापक रूप, ठीक है। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो वाई का मान क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजकल टू 0 है, तो आपको यहाँ से वाई का मान निकालना है। तो वाई का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, सी माइनस ए एक्स अपॉन बी, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है दोस्तों आपको, तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एक्स, के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्लस सी, ठीक है। और बी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर मतलब उसको अरेंज कर दिया हम, माइनस लगा होते इसको इधर कर दिए, माइनस एक्स प्लस सी, तो ये आपका राइट आंसर है, देखिए 10 में सी में, ठीक है। यहाँ पे माइनस कर लगा दिया है, तो इससे डरना नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन ये। वाई का मान निकाल सकते हो आप लोग, सी माइनस ए एक्स अपॉन बी, ठीक है। देखिए 11 है, बहुत ही सिंपल ये भी है दोस्तों, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिया गया है ना, ये समीकरण है, व्यापक रूप है इसका, जिसमें वाई का मान 0 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो वाई बराबर 0 है, तो टोटल मान 0 हो गया आपका, एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस सी अपॉन ए, तो देखिए माइनस सी अपॉन ए किस में है, तो ये बी में है, तो 11 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें 12 नंबर है कि एक्स के पावर एन माइनस वन का एक शून्यक, सॉरी एक गुणक बोला जा रहा है ना, एक्स के पावर एन माइनस वन का एक गुणक एक्स प्लस वन है, तो एक्स का मान निश्चित रूप से क्या हो सकता है, कौन सा पूर्णांक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों बोला जा रहा है ना कि एक्स के पावर एन माइनस वन का एक गुणक एक्स प्लस वन है, इसका मतलब दोस्तों एन का वैल्यू यहाँ पे एक दिया तब ना एक्स प्लस वन आया, नहीं, यहाँ पे देखिए, ओ सॉरी सॉरी, एक एक गुणक बोला जा रहा है ना कि एक गुणक एक्स प्लस वन है, तो एन का वैल्यू हम क्या रखेंगे दोस्तों कि एक्स प्लस वन आएगा, तो अगर वन रखेंगे तो एक्स माइनस वन ही आएगा, अगर एन बराबर 2 रखते हैं हम लोग, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। अब इसको निकाल सकते हैं हम लोग, इसको लिखने का तरीका एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन, जिसमें से एक गुणक आपका दिया गया है कि एक्स प्लस वन है यहाँ पे ये, तो एक्स का मान मान निश्चित रूप से क्या होगा, एक्स का मान, तो देखिए एक्स का मान जो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एन का मान होगा, गलत दिया है दोस्तों कि एन का मान निश्चित रूप से क्या होगा, तो एन का मान निश्चित रूप से यहाँ पे 12 का ये हो जाएगा, सम पूर्णांक होगा, ठीक है। मतलब एन बराबर 2 रखें तो सम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण दिया गया है, टू कितना है दोस्तों, 2x² - 4x + 3
बराबर 0। तो विवेचक निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बी स्क्वायर में माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 2 गुने 3, तो 16 माइनस 4 दुनिया 8 थ्री 24, तो यहाँ पे माइनस 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 13 का यहाँ पे सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, आप लोग निकाल सकते हो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के फार्मूला पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लेते हैं। 14 नंबर बोला जा रहा है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान क्या है जबकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से आपको सिर्फ 50 का जवाब देना है। इस बार से 2020 से ये लागू होने जा रहा है दोस्तों, बहुत ही ईजी रहेगा। एक भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ोगे नहीं, 50 में 50 मार कराओगे। 51 मारेगा तो 50 का ही जांच होगा, इसलिए 50 ही मारना आप लोग, ठीक है। एक्स्ट्रा बनाने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं होगा। 14 है कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग का मान क्या होगा जबकि समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0। तो मूलों का योग बोला जा रहा है, तो मान लेते हैं मूल जो है इसका अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है दोस्तों, माइनस बी अपॉन सी, ठीक है, बी अपॉन ए। सॉरी, देखिए अल्फा प्लस बीटा जो यहाँ पे होता है दोस्तों आपका, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो माइनस बी यहाँ पे देखते हैं माइनस टू और वन, ए का वैल्यू यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन, तो माइनस टू ही रहेगा आंसर। तो देखिए माइनस टू किस में है, तो ये है आपका ए में। तो ये 14 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का शून्यक बोला जा रहा है ना, कि मोलों का योग दिया गया है, सॉरी मोलों का योग निकालने के लिए बोला जा रहा है, तो ये माइनस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब, 15 नंबर, कि यदि एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एम इजकल टू 0 है के दो मूल वास्तविक होंगे यदि। देखिए मूल वास्तविक होने के लिए शर्त है दोस्तों डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग m का वैल्यू क्या रखेंगे जिससे 0 से ये बड़ा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे हम लोग दोस्तों मान, ये m बराबर 1 रखते हैं एक बार, और m बराबर माइनस 1 रखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे, या फिर 0 रखते हैं क्योंकि ये तीन ही ऑप्शन दिया गया है आपको। तो m बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये बड़ा तो हो जाएगा, लेकिन m के दो मूल वाला ना, दो मूल देखिए किस में है दोस्तों, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि m बराबर सिर्फ एक मान दिया है। b और c में आपको दिमाग लगाना है, तो c का वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1 है दिया हुआ, तो हम देखते हैं यहाँ पे प्लस 1 का मान रखते हैं एक बार, माइनस 1 का मान रखते हैं, जिसमें हमको लगेगा दोस्तों कि उसका मूल जो है वास्तविक आ रहा है, ठीक है। आप लोग निकाल सकते हो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस वाले फार्मूला पर निकाल सकते हो आप लोग, जिसका वैल्यू ये m बराबर प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 15 का सी हो जाएगा। देखिए 16 है, बहुत ही इजी है, यहाँ पे समांतर श्रेणी से बोला जा रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP 3, 13, 23 डैश 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 का सार्व अंतर कितना है। तो देखिए 3 और 13 में कितना अंतर है, 10, 13 और 23 में कितना अंतर है, 10, फिर यहाँ पर 33 हो जाता, 43 हो जाता, इसी तरह से बढ़ते रहता, तो सार्व अंतर कितना है, तो सी 10 है। 17 है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो देखिए ए बराबर दिया गया आपका 3, डी बराबर निकालना है 8 में से 3 गया 5, और टी एन बराबर दिया गया है दोस्तों आपका लास्ट कौन सा पद बोला जाए ना। तो देखिए आपको टी एन बराबर होता है ए प्लस 3 प्लस एन माइनस 1, तो कितना है एन पता नहीं हम लोग को, एन माइनस 1 इंटू 5, और ये दिया गया आपका 78। 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, तो 78 में से आपका यहाँ पे 2 गया, तो 2 78 इधर आ जाएगा 2, और ये 5n, तो 16 5 80। तो देखिए 16वां पद आ जाएगा यहाँ पे 17 का ए राइट आंसर आपका। निकाल सकते हो दोस्तों आप लोग, इसी तरह से निकालने का तरीका है, बहुत ही जल्दी निकाल लोगे अगर आप लोग का फास्ट कैलकुलेशन है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, कि किसी यदि AP का प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है तो x वां पद कितना होगा। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन,
इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट होता है दोस्तों कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखिए ए दिया गया है आपका प्रथम पद और डी दिया गया है आपका सर्वांतर और एक्समा पद बोला जा रहा है ना, तो ए प्लस हो जाएगा एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस वन इंटू डी, क्योंकि एन का वैल्यू यहाँ पे एक्स दिया गया है। तो ए प्लस एक्स माइनस वन इंटू डी ये आपका पहला ही ऑप्शन में है, तो 18 का ए हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर कि त्रिभुज एबीसी में डी ई समांतर बी सी और ए डी बटा डी बी बराबर 5/3 है, तो अब ए ई बटा ई सी का वैल्यू क्या होगा। देखिए डी ई समानांतर बी सी है किसी भी त्रिभुज में, मान लो हम त्रिभुज बना ही लेते हैं एक दोस्तों, मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है एक जिसमें हमको ये ए बी सी दिया गया है और यहाँ पे डी ई दिया गया है और ए डी का मान यहाँ पे 5 है और डी बी का मान 3 है, तो ए ई बटा ई सी का वैल्यू कितना होगा। तो ए ई बटा ई सी का भी वैल्यू उतना ही होगा क्योंकि यहाँ पे समानांतर दिया गया है दोस्तों, डी ई समानांतर बी सी है, तो यहाँ पे 5/3 होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी आप लोग काटोगे तो ये दो विभाजित भागों में बट जाएगा। जब इसका वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है तो ये 3 है, तो ये भी 5 होगा और ये भी 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा। देखिए 20 है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाना है इसमें। डी समांतर बी सी है पिछले सवालों के अनुसार और 4/(x-4) बराबर x-3/3x-19। अब x का वैल्यू आप लोग को यहाँ से निकाल लेना है, तो चलिए निकाल लेते हैं हम लोग दोस्तों। 4×3 = 12, x-19 चुका 76। ठीक है, उसके बाद इसको हम गुना करते हैं मल्टीप्लिकेशन चार दोनों साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों आपका x, उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं कॉमन x-4, उसके बाद -3, उसके बाद x-4। बहुत ही सिंपल है, देखिए आप लोग के सामने बना रहा हूँ मैं। 12x-76 बराबर x²-4x और -3x कितना हो जाएगा दोस्तों, एक्स यहाँ पे x² और -4x और -3x, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 7x और यहाँ पे +12। तो देखिए अब इसको हम कर लेते हैं एक साइड दोस्तों, जिसमें हमको प्लस का वैल्यू आएगा क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है, तो एक वैल्यू निगेटिव आएगा और दूसरा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे हम लोग। अब इसको हम इधर ही कर लेते हैं, तो x² और इधर जाएगा -12, तो -19x और इधर 76 जाएगा, तो 76×12 कितना हो जाता है तो आपका 88। ठीक है दोस्तों, तो ये 88 = 0 हो जाएगा। तो अब हमको ऐसा करना है कि ये आपको 88 पुर जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग निकाल सकते हो, जिसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे निकालते हैं इसका वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8। ठीक है, और एक निगेटिव में आएगा, आप लोग निकाल सकते हो, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लस में है और इधर यहाँ पे माइनस दिया गया है, देख लेते हैं एक बार कहीं कैलकुलेशन तो गलती नहीं है। 4×3 = 12 और 1976। ठीक है, तो 12x-76 यहाँ पे हो जाएगा और उसके बाद x×x-4 और माइनस यहाँ पे 3 और x-4, तो x²-4x। ठीक है, देखिए यहाँ पे -4x फिर -3x और +12। तो यहाँ पे सही है दोस्तों, ये 76 और 12 को भी मैंने जोड़ दिया यहाँ पे, तो 88 आया। ठीक है, x² और इधर माइनस लगा हुआ था, इधर प्लस है तो इधर माइनस जाए, माइनस में हो जाएगा ये, तो 12×7 कितना होता है दोस्तों, 19। तो इसका वैल्यू अगर निकालोगे आप लोग, ठीक है, इस इक्वेशन का, तो ये आएगा आपका 8 ही का है। ठीक है, और एक निगेटिव में आएगा, तो हमको पॉजिटिव ले लेना है, तो निकालिए दोस्तों आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग हम लोग 21 नंबर बोला जा रहा है, ये पाइथागोरस प्रमेय पे है, डायरेक्ट आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देना इसमें कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90° है और एबी बराबर 5 सेंटीमीटर है तथा एसी बराबर 12 सेंटीमीटर है और एडी लंब बीसी है, तो एडी की लंबाई कितनी होगी। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये मान लो कि ये त्रिभुज है आपका, ठीक है, समकोण त्रिभुज पहले ही दिया गया है, कोण ए बराबर 90 है, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए 90 हम लोग रख लेते हैं,
जिसमें हमको दिया गया है ए बी का मान 5 और ए सी का मान यहाँ पे 12, ठीक है। और ए डी का बोला जा रहा है ना, ए डी लंब बी सी है, तो ए डी लंब यहाँ पे हम लोग बी सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंब बी सी है, तो ये दोनों भाग बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अब हमको कर्ण निकालना है, 12 5 और ये 13 हो जाएगा। तो 13 का यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, ए डी लंब बी सी है तो ए डी का वैल्यू निकालना है, मतलब दोस्तों आपको इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। ए डी लंब बी सी, तो ये 5 है दोस्तों आपका, और ये 13 है, तो ये 13/2 हो जाएगा, और इसका वैल्यू आप लोग निकालना है। देखिए 13/2 का होल स्क्वायर और -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 13 169/4 -25, इस पर निकाल लेना आप लोग दोस्तों, ठीक है। इसका मैं आंसर बताया था, तो आप लोगों को इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 25/13 सेंटीमीटर, ठीक है। 25/13 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 21 का सी हो जाएगा, ठीक है। इसी फार्मूला पे बनेगा दोस्तों, इसी चित्र पे आप लोग निकाल सकते हो इसका वैल्यू, और ये आप लोगों के बुक में भी दिया गया क्वेश्चन है। दो बिंदु P दिया गया है 2-2 और Q दिया गया है -2.2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक ज्यामिति जो है यहाँ पे क्या होगा, नियामक बिंदु, ठीक है। यहाँ पे दो मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का बोला जाए, तो मध्य बिंदु निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे P और Q का मध्य बिंदु निकालने के लिए 2-2/, यहाँ पे हो जाएगा आपका, और 0 यहाँ पे देखिए 2-2 0 हो गया यहाँ पे, तो ये भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको जानते हैं, -2+2 ये भी 0 आपका आ गया, तो इसका मतलब पी क्यू का मध्य बिंदु यहाँ पे 0.0 आएगा, तो राइट आंसर आपका 22 का ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है दोस्तों आपको कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए p 2-3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रा का। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे p और q ले लेंगे हम लोग दोस्तों, 2-3 है और यहाँ पे 10, y है, इसका वैल्यू 10 है, ठीक है। इसका दूरी मात्रक यहाँ से यहाँ तक का, तो देखिए निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, x2-x1/, इस तरह से आप लोग निकालते हो दूरी, या फिर आप लोग इसको रूट अंडर के मेथड से भी निकाल सकते हो। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, वाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई के किस किस मान के लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों आपका, -9 और 3, तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे बनाइएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा -9.3, ठीक है। दूरी फार्मूला से बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बना लीजिए आप लोग। 10th क्लास में बहुत सारे छात्र इस नियामक ज्यामिति में अगर फॉर्मूला आता है तो आप लोग आसानी से किसी भी सवाल को बना सकते हो। देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को ये क्वेश्चन है आप लोगों के बुक से ही, 24 नंबर के उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष जो है 2.3, -1.0 और 2.-4 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए एक एक होता है आपको डिटर्मिनेंट से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस तरह से 2.3, -1.0 और 2.-4, इससे भी निकाल सकते हो आप लोग, या आप लोग सरस रूल से सॉरी वो जो हिरोन सूत्र होता है उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन उससे निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नियामक ज्यामिति का है ना, तो इसी तरीका से आप लोग निकाल सकते हो। इसका मैं आंसर बताया था, तो आप लोगों को निकाल लेना, 21/2 वर्ग मात्रा का आ जाएगा, ठीक है। इस पर भी आप लोग, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो जिसका वैल्यू आएगा दोस्तों 21 आएगा, इसका वैल्यू अगर निकालोगे आप लोग 21 आएगा, तो 21/2 वर्ग मात्रक हो जाएगा। 25 है कि -4-6 जो है किस चतुर्थांश में होगा, तो ये चतुर्थ में होगा, क्योंकि चतुर्थ में जो है यहाँ पे ऑल प्लस, यहाँ पे ये वाला माइनस होता है, ये वाला प्लस होता है, और ये थर्ड में, सॉरी मैंने गलत बता दिया, चतुर्थ नहीं तृतीय होगा दोस्तों, क्योंकि तृतीय में दोनों माइनस होता है, इधर का भी और इधर का भी, तो राइट आंसर आपका 25 का हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, सी, ठीक है, तृतीय। नेक्स्ट है 26 नंबर कि 1+cot²θ क्या होता है, तो cot²θ का मान होता है क्या दोस्तों, sec²θ - cot²θ = 1, sorry cosec²θ होता है ना, तो
तो 26 का यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर हम कर लेंगे इधर माइनस को प्लस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ही बचेगा, तो राइट आंसर आपका 26 का बी। 27 है बहुत ही सिंपल है, कॉस पाई बाय 3 मतलब होगा कॉस 60 डिग्री का मान आपको निकालना है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाता है 60 डिग्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका ये 28 नंबर की, 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 8 के बराबर, क्योंकि इसमें 8 हम अगर कॉमन लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होता है। ठीक है, फिर होता है कॉस स्क्वायर 48 माइनस कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान, तो ये जो निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों, इसको हम साइन में बदलते हैं। कॉस देखिए कॉस 48 को रहने देते हैं और साइन को हम बदलते हैं कॉस में, तो साइन 90 माइनस 48 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस 48 और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस 48, तो ये दोनों आपका 0 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका 29 का ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए इसका आंसर आप लोग का कितना आ रहा है। ठीक है, मैं आप लोगों को वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा 30 नंबर, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। इसी तरह के काफ़ी सारे सब्जेक्ट का आने वाले हैं आप लोगों के बोर्ड एग्जाम को लेकर, क्लास 10th वालों के लिए। ठीक है, अगर चाहिए हर एक सब्जेक्ट का तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के मैथ्स के साथ साथ अब 11th और 12th के फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो सोल्यूशन पाइए .NET के व्हाट्सअप नंबर 8400400400 पर। किसी भी तरह का प्रश्न फोटो खींच के भेजिए दोस्तों, वीडियो सोल्यूशन पाइए कुछ ही सेकंडों के अंदर, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे